गोटिका में भारत विकास परिषद ने बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आलोक मिश्रा सहित परिषद के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष का तिलक और रोली लगाकर सम्मान किया गया। इस दौरान कोरोना काल के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को भी श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही एकात्म परिवार पुस्तक का भी विमोचन किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आलोक मिश्रा, अध्यक्ष शक्ति सिंह राजपूत, गोविंद पटेल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने आने वाले समय में समाज हित से जुड़े कार्यों को करने का संकल्प भी लिया। कोरोना महामारी का जो दौर हिंदुस्तान ने देखा, हम सब ने देखा, बड़ा भयावह था। अनेक प्रियजनों को हमने खोया। सम्माननीय हमारे गोटेगांव के अध्यक्ष शक्ति सिंह जी, नेत्राम जी के पिता भी रहे, शक्ति सिंह जी के भाई भी रहे, ये परिषद परिवार के बीच में एक बड़ा दुख का विषय था। तो एक तो श्रद्धांजलि की दृष्टि से भी ये बड़ा आवश्यक कार्य होता है। विशेष तौर पर इस कार्य के लिए मैं आज गोटेगांव आया था। इसके अलावा जो संगठन की गतिविधियां हैं, पूरे कोरोना काल में संस्था ने, परिषद ने पूरे देश में बड़ा उल्लेखनीय कार्य किया। लगभग 63 करोड़ की राशि इन सेवा कार्यों में खर्च हुई। महाकौशल प्रांत की दृष्टि से भी हमने जिम्मेदारी ली थी, ऑक्सीजन सप्लाई की उन परिवारों में जहां सारे के सारे लोग क्वारंटाइन थे, भोजन की उपलब्धता, उन परिवारों तक भोजन पहुंचाया गया। ऐसे लोगों को जो तत्कालीन समय में रेमडेसिविर और अन्य तरह की जो भी समस्याएं थी, परिषद ने पूरी तत्परता, तन्मयता के साथ, पूरे दिल के साथ में जो सेवा कार्य किया, बड़ा उल्लेखनीय भूमिका गोटेगांव श्रीधाम क्षेत्र की थी। तो वो एक बड़े अनुभव की बात है। एक शाबाशी वाला जो कार्य होता है एक प्रांत के अध्यक्ष का, वो भी मुझे करना था। उस दृष्टि से मेरा प्रवास था।